आज दुर्घटना हुई है उससे जैन समाज का हर व्यक्ति बहुत ही क्षुब्ध है, बहुत दुखी है और इस दुख का निदान यही है कि मुनियों की रक्षा दी जाए और ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि वो पकड़े गए हैं उन्हें फांसी की सजा के अलावा ऐसी फांसी की सजा दी जाए जिससे कि आगे कभी कोई इस तरह का कर्म करने के लिए सोचे भी ना, इस तरह की हम सबकी मांग है। विगत दिनों हुई महाराष्ट्र में हमारे मुनि जैन समाज के जो मुनि महाराज जी हैं उनकी जघन्य हत्या जिस व्यवस्था और जिस परिवेश में हुई है वो निश्चय ही बहुत ही निंदनीय है। इस जघन्य अपराध के लिए शायद ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा और आज उसके विरोध स्वरूप हम सकल समाज प्रेम दमों की जो है वो यहाँ आई है और उसके विरोध में हमारे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रही है, साथ ही उनसे ये मांग कर रही है कि इस तरह के अपराधों पर तुरंत अंकुश लगा जाए और हमारे जो संत हैं चाहे वो किसी भी समाज के हैं उन्हें स्वच्छ रूप से विचरण करने में भारत शहर में कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मनुष्य तो ठीक है, एक जीव जंतु के साथ पशु पक्षियों तक के विषय में जो लोग हमेशा चिंतन करते हैं, जो कर्नाटक में एक निर्मम जो हत्या हुई है यह भगवती मानव कल्याण संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें अग्रणीय होकर हम लोग एक अल्टीमेट देंगे कि उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको फांसी दी जाए, वरना भगवती मानव कल्याण संगठन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, आगे आएगा, एक आंदोलन करेगा। एक ऋषि मुनि जो हमारे भारतवर्ष में एक भारत सत्य की जो पहचान कराते हैं, सत्य का ज्ञान हम लोगों को कराते हैं, वो ऐसे ऋषि मुनियों की इतना बड़ा जघन्य अपराध, हे भगवान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसी भारत भूमि पर रहने वाले हैं जहाँ गंगा बहती है, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, इनकी निर्मम हत्या जघन्य अपराध जो किया है बहुत घोर निंदनीय है। ऐसी सरकारों को जहाँ यह हुआ है उन लोगों को भी सोचना चाहिए और भगवती मानव कल्याण संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा जब तक उन्हें फांसी नहीं होगी। और बड़े बाबा कुंडनपुर की हम लोग जो है वो करते हैं, उनकी जय हो। समाज इस कर्नाटक में जैन मुनि की हुई जघन्य हत्या के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। हत्यारों की संभवतः गिरफ्तारी, अभी मैं कहीं देख रहा था गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन खाली गिरफ्तारी से काम नहीं होगा। कम उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह का कृत्य देश के किसी भी कोने में किसी भी संत के साथ ना हो, जैन मुनि हो या कोई भी संत हो। संतों का काम कोई हिंसा करना तो है नहीं, वे तो हमेशा से अहिंसा का संदेश देते आए हैं और आगे भी दे रहे हैं, पर इनके साथ इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के कड़ी से कड़ी सजा मिली। Thank you.